नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। वेद स्वाध्याय विवेकी जनों के लिए सुविज्ञान। सुविज्ञानम चिकीतुषे जनाय सच्चा सच्च वचसि पस्पृधाते तयोर्यत् सत्यम यतरद्रीजियस्तादित सोमो अवती हंत्यासत। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 104 मंत्र 12, अथर्वेद मंडल 8 सूक्त 4 मंत्र 12। चिकीतुषे जनाय सुविज्ञानम, विवेकी जनों के लिए यह सुविज्ञान है। सत्य असत्य वचसी, जो सत्य तथा असत्य वचन है। पस्पृधाते, उनमें परस्पर स्पृधा है, कंपटीशन है। तयो यतः सत्यम, उन दोनों में जो सत्य है। यतरत ऋजीयः, तथा जो ऋजीय है। तत इत सोमः अवति, उसी की सोम रक्षा करता है। असत हन्ति, असत्य का हनन कर देता है, नाश कर देता है। बात बहुत छोटी है परंतु है बहुत बड़ी, बहुत ऊंची, बहुत महान। इसलिए वेद माता ने इसको मात्र विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान नहीं, सुविज्ञान कहा है। पर यह सुविज्ञान है किसके लिए? कौन लोग इसको ठीक ठीक समझकर इससे लाभान्वित हो सकते हैं? तो वेद माता ने कहा, चिकी तुसे जनाए, विवेकी जनों के लिए ही यह सुविज्ञान है, वही इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। चिकित्से से ही चिकित्सक शब्द बना है। चिकित्सक सफल वही होता है जो ज्ञानवान होने के साथ साथ विवेकी भी हो। रोगी की स्थिति के अनुसार किन स्थितियों में कौन सी औषधि अथवा किस प्रकार का उपचार ठीक रहेगा, इसका सही सही निर्णय अपने विवेक से कर सके, वही चिकित्सक है। मंत्र में चिकित्से शब्द आया विद्वान ज्ञानी मेधावी विवेचकों के लिए, जो सत्य स्वरूप ब्रह्मा को परमेश्वर को जानने समझने की सूझबूझ तथा पैनी अंतर्दृष्टि रखते हैं। ऐसे जनाय जनों के लिए, लोगों के लिए यह सुविज्ञान है। इस सुविज्ञान की पहली कड़ी है सत्य असत्य वचसी पस्पृधाते। सत्य तथा असत्य जो वचन है वे पारस्परिक स्पृधा से युक्त हैं। स्पृधा का कारण है सत्य और असत्य का एक दूसरे का विरोधी होना। जो असत्य है वह कभी सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य है वह असत्य नहीं हो सकता। प्रायः अज्ञानवश लोग सत्य तथा असत्य को काल अथवा युग से जोड़ देते हैं। कहते हैं कि जब सतयुग था तो सत्य का बोलबाला था, अब कलयुग है तो अब सत्य कहाँ। किंतु वेद का दृष्टिकोण यह है कि जब से मानव सृष्टि है तब से ही सत्य और असत्य दोनों विद्यमान हैं और हमेशा विद्यमान रहेंगे। यजुर्वेद में आया है कि सृष्टि के आरंभ में ही प्रजापति ने सत्य और असत्य दोनों के रूपों को देखा, अतः असत्य में अश्रद्धा को धारण किया और सत्य में श्रद्धा को, ताकि श्रद्धा अर्थात सत्य के धारण से मनुष्य सत्य ऐश्वर्य को प्राप्त कर सके। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति, अश्रद्धा मनृते दश्रद्धा सत्ये प्रजापति, ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानासुक मन्दसडैन्द्रेसिन्द्रिय मिदं पयोय अमृतं मधु। प्रजापति ने सत्य और असत्य के रूपों को देखकर विशिष्ट निश्चय किया। प्रजापति ने असत्य में अश्रद्धा को धारण किया और सत्य में श्रद्धा को, ऋत अर्थात सत्य विज्ञान से। अधर्माचरण के निवर्तक शुद्ध शुक्र बीज रूप वेद ज्ञान से
मनुष्य के रक्षार्थ सत्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु इस अमृत रूपी मधुर पेय को प्रदान किया। सत्य और असत्य के वे कौन से रूप थे जिनको देखकर मनुष्यों के हितार्थ प्रजापति ने सत्य में श्रद्धा को और असत्य में अश्रद्धा को धारण किया। इसके लिए अथर्ववेद में आया, यथा सत्यम चानृतम च न अभिहितो न ऋष्यतः। अथर्ववेद मंडल 2 सूक्त 15 मंत्र 5। यथा पूर्व सत्य और असत्य न डरते हैं न नष्ट होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि सत्य और असत्य के जिन दो रूपों का प्रजापति ने अवलोकन किया वे थे इनकी शाश्वत पारस्परिक निरर स्पर्धा और अमरता। दोनों ही मनुष्य के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते थे और आज भी यह मनुष्यों के ऊपर हावी होने से बाज नहीं आते, यही इनकी कमी न खत्म होने वाली स्पर्धा है, कसमकस है, जद्दोजहद है, हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। ऐसा समय कभी न था जब सत्य न हो और न ही कभी ऐसा समय था जब असत्य न हो, और न ही कभी ऐसा समय आएगा जबकि सत्य और असत्य दोनों में से कोई एक न होगा। सत्य और असत्य दोनों ही सदा से हैं और सदा रहेंगे, दोनों ही शाश्वत हैं और शाश्वत है इनका संग्राम भी। शाश्वत भी दृष्टि शाश्वत की दृष्टि से दोनों समान है, पर अंतर दोनों में यह है कि सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है, जबकि असत्य शाश्वत होते भी अशिव है और असुंदर है। सत्य मनुष्य को देवता बनाता है, असत्य मनुष्य को दानव बनाता है। सत्य से जो संपदा प्राप्त होती है वह दैवी दिव्य होती है, असत्य से कहीं अधिक संपदा प्राप्त की जा सकती है परंतु वह आसुरी होती है जो अंततः विनाश का कारण बनती है। सत्य निवास करता है आशा और विश्वास में, आस्था और श्रद्धा में, सदाचार और सद्व्यवहार में। असत्य निवास करता है निराशा और अविश्वास में, अनास्था और अश्रद्धा में, भ्रष्टाचार और दुराचार में। सत्य सौभाग्य का सूचक है और असत्य दुर्भाग्य का। सत्य और असत्य से ही जुड़े हुए हैं सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, धर्म और अधर्म तथा वैदिक वांग्मय में बहुप्रयुक्त शब्द रित और अनरित। सत्य जब तक वाणी या वचनों तक रहता है वह सत्य कहता है, सत्य जब आचरण और व्यवहार में आ जाता है तब धर्म कहता है। वही सत्य जब अकाट्य अभेद्य अच्छेद्य अखंड अटल व्रतों नियमों व्यवस्थाओं और उच्चतम जीवन मूल्यों तथा श्रेष्ठतम कर्मों में विस्तारित हो जाता है तो रित कहता है। जो ठीक है, उचित है, स्वाभाविक है, अखंडनीय है, वह सब रित है। सत्य विद्या, सत्य ज्ञान, सत्य नियम, सत्य आचार, सत्य व्यवहार, सत्य कर्म, सत्य धर्म, सद्भाव, सद्विवेक, सदन्याय तथा जीवन में शुद्धता, पवित्रता तथा यज्ञता मनुष्य को रिताचारी बनाते हैं। मनुष्यों में देव देवियां वही कहते हैं जो ऋत के अनुव्रती होते हैं। ऋतस्य देवा अनुव्रता गुह, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 65 मंत्र 2। ऋत ही मनुष्य को विवेकी बनाता है, इसलिए वेद ने कहा, ऋतम चिकित्वः रीतमिच्ची किद्धि ऋतस्य धारा अनुतंधि पूर्वी, ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 12 मंत्र 2। ऋत से विवेकी बन, ऋत को बार बार जान, ऋत की सनातन धाराओं को अनुकूलता से विस्फोटित कर जिससे तू उनके मर्म को समझ सके। यह पृथ्वी, यह वसुंधरा जिन महान शक्तियों के आश्रय से टिकी हुई है उनमें अथर्ववेद 12:1-1 के अनुसार अग्रणी है। बृहत सत्य और उग्र ऋत, इनके स्थान पर क्षुद्र असत्य और क्षुब्ध अनृत को बिठा दीजिए और फिर देखिए अराजकता, दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार अथवा और पतन का नंगा नाच। नित नए अपराध, शोषण, बलात्कार के नमूने आते रहेंगे, इसलिए विवेकी जनों को सोचना है कि उन्होंने सत्य और असत्य, ऋत और अमृत के बीच चले आ रहे संग्राम में किसका साथ देना है।
किसको प्रतिष्ठित करना है। अज्ञानी और अविवेकी मनुष्य को असत्य और अनृत के माया जाल में फंसते जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। केवल ज्ञानी और विवेकी ही सत्य और रित से जुड़े रहने में समर्थ रहे हैं और समर्थ रहेंगे। इसलिए वेद माता ने कहा कि शुभ ज्ञान विवेकी जनों के लिए है। इस शुभ ज्ञान की दूसरी कड़ी है तयोह यत सत्यम यत रत ऋजियः। उन दोनों में अर्थात सत्य और असत्य में जो सत्य है और जो भी ऋजी है तत इत सोमह अवति, उसी की सोम प्रभु रक्षा करता है। सत्य और असत्य में जो सत्य है उसको परखने की एक बड़ी सुंदर कसौटी यहाँ वेद माता ने दी है। बाड़ी का सत्य बनावटी और दिखावटी भी हो सकता है। हाथी के दांत होते हैं यह सत्य है, पर कौन से दांत खाने के और कौन से दिखाने के हैं इसका भी निर्णय करना जरूरी है। अतः वेद माता ने कहा सत्य में जो भी ऋजी है वही वास्तविक सत्य है। ऋजी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ऋजी के अर्थ है सीधा सरल सहज स्वाभाविक सही स्थिर सुस्पष्ट खरा तथा रित से ओतप्रोत एकदम अकाट वास्तविक सत्य सदैव सीधा सरल सहज स्वाभाविक और सही होता है। इस सत्य में कोई अंतर्द्वंद या विरोधाभास नहीं होता। यह सत्य एकदम निर्मल निर्विकार और निर्भ्रांत होता है। इस सत्य के लिए कुछ सिखाना नहीं पड़ता, इतना सहज और स्वाभाविक यह होता है। इसके विपरीत झूठ बोलने के लिए पहले झूठ सिखाना पड़ता है। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ गढ़ने पड़ते हैं। झूठ वचनों में बहुधा परस्पर विरोध भी पाया जाता है। वस्तुतः इस विरोधाभास के कारण ही झूठ पकड़ा जाता है। सत्य में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वेद ने उसको ऋजीय कहा है। यह मनुष्य का अविवेक और बुद्धि भ्रम ही है कि वह सत्य जैसी सरल चीज को परे रख कर जटिल असत्य का आश्रय लेना चाहता है। यह सोच बिल्कुल गलत है कि झूठ का आश्रय लिए बिना कोई काम नहीं बनता। काम तो सच बोलने से ही बनता है। झूठ के आश्रय से तो इंसान केवल धोखा देता है और धोखा ही खाता है। आप अपने घर परिवार दफ्तर व्यापार में मात्र एक दिन के लिए ही सत्य के विपरीत केवल झूठ बोलकर देखें, तब आपको पता लग जाएगा कि झूठ से आपने अपना कितना नुकसान कर लिया है। वेद ने इसलिए कहा कि जीवन में यदि कोई व्रत लेना चाहते हो तो सत्य व्रती तुम्हारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। इदम महामनृतात् सत्यम उपैमी यजुर्वेद। यह मैं अनृत असत्य को न ग्रहण कर सत्य के निकट हूँ। सत्य के निकट होकर सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। श्रद्धा से ही उस परम सत्य की प्राप्ति होती है जिसको ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, प्रकृति सत्य है, ब्रह्मांड सत्य है। इनकी सत्यता को सत्य से ही जाना जा सकता है। असत्य तो केवल पथभ्रष्ट ही कर सकता है, सत्य का साक्षात्कार नहीं करा सकता। कोई कोई कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार तथा ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग तो अत्यंत कठिन है, किंतु उनके लिए जो सत्य से कोसों दूर हैं, मन वचन कर्म में जिनके सत्यता नहीं, धर्म के सत्य स्वरूप को जिन्होंने समझा नहीं, अपनाया नहीं, मत मतांतरों के भ्रम जाल में जो उलझे हुए हैं, वे ब्रह्म साक्षात्कार कभी नहीं कर सकते। लेकिन जिनके जीवन में सत्य है, ऋजुता और सरलता है, उनके लिए सत्य स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करना स्वयं सरल है। जब परमेश्वर स्वयं ही सत्य है तो वह स्वयं ही सरल हो गया, जटिल कहां रहा। मंत्र यही तो दर्शा रहा है कि सरल को सरलता से सहजता से निष्ठा से जानने का पुरुषार्थ करो, ऋजीय बनो, ऋत स्वतः आत्मसात हो जाएगा। इसी तथ्य को ऋग्वेद में यों कहा है, सुगह पंथा अनृक्षर आदित्याश ऋतम यते नात्रावखादो अस्ति वह। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 41 मंत्र 4। रित अर्थात ऋजीय पर चलने वालों के लिए मार्ग सुगम और कंटक रहित होता है। हे आदित्याश ब्रह्म में विचरण करने वाले ब्रह्मचारियों, इस पथ पर तुम्हारा अनिष्ट कदापि नहीं है।
अनिष्ट या विनाश इसलिए नहीं है क्योंकि तत इत सोमह अवति, उसकी वह सोम प्रभु ध्यान रखता है, रक्षा करता है। परमात्मा के जो अनेक नाम है उनमें एक अत्यंत प्रिय नाम है सोम, यो वै विष्णु सोमह सह, सतपद ब्राह्मण 3:3-4:21। जो सर्वव्यापक विष्णु है वही सोम है, शांति आह्लाद तथा आनंद का दाता सोम है। सोमो वै प्रजापति, सतपद ब्राह्मण 5:1-3-7। सोम ही प्रजापति का परमेश्वर है, प्रजापति परमेश्वर दयालु भी है और न्यायकारी भी। दयालुता यह कि वह सत्यव्रती और सदाचारी की रक्षा करता है, सत्यानुशासन में रहने वालों की वह लाज रखता है, और न्याय यह है कि असत हन्ति, असत्य का अंततः हनन कर देता है, नाश कर देता है। सोम के न्यायकारी स्वरूप का वर्णन कुछ विस्तार से इसी मंत्र से अगले मंत्र में किया गया है जो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में है। न वाहु सोमो बृजिनम हिनोति न क्षत्रियम मिथुया धारयन्तम् हन्ति रक्षो हन्त्या सद्वदन्त उभाविन्द्रस्य प्रचितौ स्वयाते। ऋग्वेद 7:104-13, अथर्वेद 8:4-13। सोम प्रभु न तो कभी त्याज्य पापी का समर्थन करता है और न ही मिथ्या झूठ को धारण करने वाले क्षत्रिय बलशाली रक्षक का, दुष्ट राक्षस और असत्य वचन बोलने वालों का वह हनन कर देता है। दोनों ही इंद्र के बंधनों में पड़े रहते हैं, वस्तुतः झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। मनुष्य कर्म करने में बेशक स्वतंत्र है, झूठ बोलने में भी स्वतंत्र है, परंतु परमेश्वर के दंड विधान से अंततः बच नहीं सकता। अतः सुविज्ञान यही है कि हम सत्य का आश्रय लें। सत्य मुचु नरय एवाहि चक्रु रनु स्वधा मृभव जगमूरेताम, ऋग्वेद 4:33। ऋभव नर सत्य ही उच्चरित करते हैं और वैसा ही अनुकूल आचरण करते हैं, अपनी इस आत्मधारणा को वह प्राप्त करते हैं, उससे विचलित कभी नहीं होते। संघर्ष से विरक्त और निष्क्रिय सत्य न कभी विजयी हुआ है न कभी होगा। संघर्ष शून्य और निष्क्रिय सत्य पर संघर्ष युक्त और सक्रिय असत्य विजयी हो सकता है। इसी प्रकार यदि सत्य अल्पमत में है और असत्य बहुमत में है तो विजयी असत्य की हो सकती है। अतः आवश्यक है कि सत्य को एक तो बहुमत में लाया जाए, अनेकानेक लोगों को सत्यनिष्ठ बनाया जाए। वेद के अनुसार रश्मिनाम सत्याय सत्यम जिन्व यजुर्वेद 15:6, सत्य की रक्षा के लिए सत्य की रश्मियों द्वारा सत्य की ओर लोगों को सुप्रेरित किया जाए। और दूसरे सत्य और असत्य का परस्पर संघर्ष होने पर सत्य असत्य के मुकाबले पर डट जाए और निरंतर डटा रहे, तब सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। वेद के अनुसार सत्यवान और सत्यनिष्ठ की कसौटी यही है कि ऋतस्य गोपान दर्भाय सुक्रतुः, ऋग्वेद 9:73-8। ऋत का रक्षक सुकर्मा दबता नहीं है, डटा रहता है, वह जानता है कि सोम प्रभु उसकी रक्षार्थ उसके साथ हैं। विवेकी जनों के लिए यही वेद का सुविज्ञान है। हम सब विवेकी बने, त्रि पवित्रता हृदयंतरादधे, ऋग्वेद 9:73-8। मन वचन और कर्म की तीन पवित्रताओं को हृदय के अंदर धारण करे, अनृत और असत्य से संघर्ष करते हुए सदाचारी एवं ऋताचारी बनकर सत्य पर आरूढ़ रहें, सत्य के आश्रय से जीवन में विजय श्री को प्राप्त करें। सत्य स्वरूप सोम परमेश्वर हमारे सत्य की रक्षा करे। तन्मा मौतु तदोक्तार मौतु। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट।